वो भी बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और जब आपकी वहां कोई स्थिति मजबूत नहीं है, आपकी वहां पर आपकी स्थिति कोई ताकतवर नहीं है, तो निश्चित है अगर आप इंडिया गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो जो दल वहां लड़ेगा, जो दल वहां मजबूत होगा, तो निश्चित आपको वहां समर्थन करना चाहिए था मध्य प्रदेश में और साथ देना चाहिए। हम सब लोग यही कहेंगे, उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई आप पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको शिकस्त देना है तो कांग्रेस को वहां मदद करिए, क्योंकि वहां लड़ाई हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही है मध्य प्रदेश में, तो वहां आपको कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन अभी वो जब गए अपनी कैंपेन में तो वहां के लोकल नेताओं का के बारे में उन्होंने अपने रैली में उनका बारे में कहा, उससे पहले जब उत्तराखंड के बागेश्वर सीट की बात करी जाए तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार ही दिया था, तो क्या लग रहा है बात बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्या स्थिति हो सकती है? अब बात बनना या आगे बनाना ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, मेरा सुझाव देना या अपनी बात को कहना ये हम सबका काम है और अपना काम तैयारी करना। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि 80 सीट की हमारी तैयारी है, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अभी कानपुर में थे, कानपुर में जबरदस्त तरीके से वहां की तैयारी चल रही है, कल पूरा दिन भर कानपुर के अंदर और फतेहपुर खागा लगभग 13 जनपद के लोग, बुंदेलखंड के सभी लोग वहां आए थे और जबरदस्त तैयारी है, हम अपनी पूरी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं अखिलेश यादव कि राज्य स्तर पे भी कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और इस तरह से चीजें नहीं होती, क्योंकि गठबंधन में चेक एंड बैलेंसेस की बहुत जरूरत होती है, इस तरह से नहीं कि आप हर जगह चाहेंगे तो इस तरह से नेतृत्व नहीं हो सकता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए चेक एंड बैलेंस अगर आप देखेंगे तो घोसी में सब समर्थन किसने किया, सबसे पहले घोसी का समर्थन कांग्रेस ने किया और बिना मांगे समर्थन कर दिया, बड़ा मन दिखाते हुए, क्योंकि अगर घोसी हम लड़ते तो हो सकता है चुनाव हार जाते ही। अगर घोसी में खाली मौखिक समर्थन था, वहां पे जमीनी समर्थन तो नहीं देखने को मिला, कहना यह कि किसी और पार्टी ने आके कैंपेन नहीं किया उनके कैंडिडेट के लिए? हमारे पूरे हमारे सारे लोगों ने आके वहां पे जाकर कैंपेन किया, कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं गया? हमारे वहां के इंचार्ज जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वहां के महासचिव हैं, गाजीपुर के जिलाध्यक्ष, आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष, मऊ के जिलाध्यक्ष दिन रात काम किए हैं, वो अपने कैंडिडेट से पूछ सकते हैं सुधाकर सिंह से कि कांग्रेस के लोगों ने वहां समर्थन किया है कि नहीं किया है, पूछ लें। अगर वो कैसे वहां अगर उनका कैंडिडेट ये कह देगा कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है तो मैं उनके बात से वाकई आप सहमत हो जाऊंगा कि नहीं वो सही बात बोल रहे हैं। आप अपने वहां के जो कैंडिडेट जीते हैं सुधाकर सिंह जी, उनसे पूछ लें कि कांग्रेस ने समर्थन किया है, जमीनी स्तर पर समर्थन किया है कि मौखिक किया है, कि इनके लिए वोट डलवाया है, ये मदद नहीं की है, ये सुधाकर सिंह प्रमाण है, पूछ लें उनसे, सामने आ जाएगी सारी चीजें। घुमा के बात मैं नहीं करता, मैं सीधे बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। सर अभी जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना को लेकर वहां के एमएलसी के कविता ने कहा है कि आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां पे आ रहे हैं और ये राहुल गांधी सिर्फ इलेक्शन गांधी बन के रह गए हैं, क्योंकि इलेक्शन के वक्त आते हैं उठाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, उनको सरोकार नहीं है राज्यों से? नहीं देखिए, राहुल जी सर्वमान नेता हैं और वो पूरे देश में घूमते हैं, पूरे देश के अंदर चुनाव कैंपेन में करते हैं, चुनाव के बाद भी जाते हैं, उसके पहले भी जाते हैं, घर पूरा ये हिंदुस्तान के घर जैसा है। उन्होंने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, बैस 4500 किलोमीटर की यात्रा की, कहाँ रुके, बिना रुके किया, कहाँ चुनाव था, किस स्टेट में चुनाव था। हमारा काम है जोड़ने का, इन लोगों की तरह नहीं कि केवल चुनाव आ गया तो अपनी चीजों को कहना, अपनी दुकान चलाना। हम भी सबका, हमारे नेता हमेशा लगे रहते हैं और आप देखेंगे जिस तरीके से राहुल जी ने अपनी सभा में कहा था हैदराबाद में कि प्रदेश में बीजेपी और टीआरएस आपस में लड़ती है और केंद्र में चाहे वो दिल्ली के राज्य का मामला रहा होगा, चाहे हर इश्यूज पे वो पूरी तरीके से टीआरएस बीजेपी का साथ देती है पार्लियामेंट। प्रहलाद जोशी ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जिस तरह का जो मैनिफेस्टो है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि आज तक कोई भी मैनिफेस्टो का एक पॉइंट नहीं पूरा किया है और अब ये फिर से चुनाव में, उनका कहना है ये 5 राज्य के चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। अब वो तो वक्त बताएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व आप अगर कांग्रेस पार्टी वहां हार रही है, कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो अपने मंत्रियों को और अपने सांसद को उतारने की क्या जरूरत पड़ी कम भारतीय जनता पार्टी को, इसका जवाब दें। इनके बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं और कह रहे हैं मैं लड़ना नहीं चाहता था, मुझे तो लड़ाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया, आपने देखा होगा, एक और कुछ सुने तोमर साहब, वो अभी तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए हैं। बड़े बड़े नेताओं को उतारने की जरूरत क्या पड़ी, जब इतने मजबूत थे तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को उतारने की क्या जरूरत पड़ी, इसका मतलब कि कमजोर है। और चुनाव हार ये मान चुके हैं, हारेंगे नहीं, चुनाव मान हार अपनी मान चुके हैं।